हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी पोएम चाइल्डहुड का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ये चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। अगर हम आपसे पूछे कि आपकी जितनी भी जवानी है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये जो भी चीज़ें आपने अपने चारों तरफ देखी उनमें से आपको सबसे अच्छी लाइफ आपकी कौन सी है, तो आप बिना सोचे कह देंगे मेरा बचपन। ठीक, वो बचपन की यादें ही कुछ और होती थी, वो बचपन के दिन होते थे जब हम लोग बहुत कुछ करते थे और किसी से कोई भेदभाव नहीं होता था। वो मौसी का घर में आना, उनका जाना, ठीक, उनका हमें पैसे देना, कुछ हमें उनके जाने के बाद समोसे उठा के खाना, बहुत सारी यादें बचपन की हैं। तो यहाँ पर अपने चाइल्डहुड की बात वो कर रहा है जो राइटर है, साथ साथ एक बात और भी कह रहा है। वो कह रहा है कि देखिए, बड़े होने के बाद लोग एक दूसरे को दिखाते तो हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक दूसरे से बुराई करते हैं, एक दूसरे से बुराई मानते हैं, बस केवल दिखावे में कहते हैं कि वो अच्छे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया दिखाते हैं आपको। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। ठीक है, क्या नाम है? चाइल्डहुड, कंपोज्ड बाय मार्कस नॉर्टन। ठीक है, मार्कस नॉर्टन जी की ये पोयम है। क्या है जरा देखिए, इज दैट द पोएट हैज ट्राइड, यानी पोएट का मतलब कवि, हैज ट्राइड का मतलब ट्राई करता है, टू आइडेंटिफाई। अगर कोई आपको स्पेलिंग समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकिए, नीचे कमेंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखता कोई और है, बताता कोई और है, रिकॉर्ड कोई और करता है, एडिट कोई और करता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप पूछ लीजिएगा। फिलहाल तो हम बता देते हैं, आइडेंटिफाई सम स्टेजेस, यानी कुछ चरण हैं ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के कुछ चरणों को वो बताने की कोशिश करता है, उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उन्हें पहचानने की कोशिश करता है कि किस चरण में एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, एंड थिंक्स डीपली, और गहराई से सोचता है ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, अपना जो बचपन खो गया है उसके बारे में गहराई से सोचता है। चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ इनोसेंस, ये इनोसेंस का मतलब क्या होता है? भोलापन। यानी चाइल्डहुड बचपन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे व्यक्ति बड़ा भोला होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता है। आपने सुना होगा गाना कि बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े त्यों त्यों पाप का मैल चढ़े। सुना आपने, यानी बचपन में कोई दिक्कत नहीं, बचपन में आदमी एक ही काम करता है, बोले बस ये हमारे अंकल हैं, ये हमारे आंटी, उसे कोई दिक्कत नहीं, इनके पास पैसा है नहीं है क्या मतलब है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, हमारे यहाँ क्या था बचपन में, सब लोग क्या करते थे, हमारे मामा थे तो वो क्या करते थे कि मान लिया प्याज और छिड़का वगैरह, आप तो हम लोग नहीं खाते हैं प्याज वगैरह, लेकिन डाल के हम लोग रोटी उनके साथ में बैठ के खाते थे। आज की एक डेट है, मान लिया उन्हें हो सकता बोलना भी ना अच्छा लगे, ठीक, हम किसी की एक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है कि बचपन में बातें नहीं होती, बचपन में बच्चा होता है, उसे सिर्फ लोग खिलाते हैं और कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन बड़े होने के बाद फिर भावनाएँ बदल जाती हैं लोगों की। ठीक है, तो इन विच अ चाइल्डहुड बिलीव्स, यानी वो क्या कह रहा है, अदर्स एंड लव्स विदाउट कंडीशन, यानी बचपन में क्या करता है कोई चाइल्ड, यानी बच्चा जो होता है, बिलीव्स मतलब भरोसा करता है, अदर्स मतलब दूसरों पे, एंड लव्स विदाउट कंडीशन, यानी दूसरों से प्यार करता है बिना किसी कंडीशन के, कोई कंडीशन नहीं होती मेरे भाई, उसे बस प्यार करने से मतलब है। द पोएट डिस्क्राइब्स, यानी वो डिस्क्राइब करता है सम साइंस, साइंस का मतलब होता है कुछ चिन्ह ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी MATURITY, मैच्योरिटी मतलब जब कोई बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योर का मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है, वो मैच्योर किस तरीके से हो सकता है, अपने दिमाग से आदमी मैच्योर हो सकता है, दिमाग से कैसे मैच्योर होगा, अभी मान लिया किसी बच्चों को आपने कुछ कहा, उसकी बोले अरे बेटा चलो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे ले, लेकिन किसी बड़े से कहोगे आओ तुम्हें चॉकलेट देंगे, चलो कोई चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो मैच्योर हो जाता है। और लॉस ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन उसका खो जाता है, एंड ऑल्सो हिंट्स, और हिंट देता है अबाउट हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेसी क्या है? हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। आपने सुना है फैला है पाखंड का अंधकार चहोर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर, ठीक है, यानी मतलब दारू पिए हुए हैं, फिट घूम रहे हैं, पाखंड का मतलब ऐसा बोलबाला है, कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअल में, मतलब अंदाजों सिर्फ गदर कटवा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, दारू पिए बैठे हुए हैं, जागरण कर रहे हैं, पाखंड फैले, पाखंड मतलब झूठ, ऑफ अवर सोसाइटी, ठीक है, देयर पीपल प्रीटेंड टू बी गुड, प्रीटेंड मतलब दर्शाते हैं, यानी इस तरीके के जो लोग हैं वो प्रीटेंड मतलब दर्शाते हैं, टू बी गुड यानी अच्छा होना, टू ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, बट इन रियलिटी लेकिन सच्चाई ये है, डोंट लाइक ईच अदर, दे डोंट लाइक ईच अदर, या फिर डोंट लाइक ईच अदर यानी एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते हैं। तो अगर सच्ची बात यहाँ पे की जाए तो एक लाइन में क्या कहेंगे आप, जो हमारा सबसे अच्छा दौर है वो हमारा बचपन है, और बचपन में किसी को कोई भी मतलब नहीं होता है, किसी से कोई बातचीत नहीं होती है, ठीक है, कोई कारण नहीं चाहिए होता है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसका बचपन खो जाता है, तो वो क्या करता है, पाखंड फैलाता है। पाखंड कैसा? केवल दिखाता है कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई किसी से प्यार नहीं करता, वो केवल दर्शाता है कि भैया हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सेंट्रल आइडिया आपका चाइल्डहुड का सेंट्रल आइडिया आपके बचपन के बारे में बताया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं
20 से 25 रुपए का, 11 रुपए का, 5 रुपए का, 1-1 रुपए का, और फ्री कोर्सेज भी, ठीक है। हर तरीके के कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, सर्च कर लीजिए। और आपके द्वारा जो भी रुपए दिए जाते हैं वो हमारे जो हमारी एक सोसाइटी है गरीब बच्चों के, उसके कल्याण में लगते हैं, ठीक है। चैनल पूरी तरीके से फ्री है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप कोर्सेज पर जाते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर आते हैं, वहाँ पर आपको फैकल्टी सपोर्ट मिलेगा, हमारी खुद की लाइव क्लासेज मिलेंगी, आप हमसे डायरेक्ट चैट पर बात कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ आपको PDFs वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी पूरा कायदे से, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।